हेलो गाइस, दिस इज चेतन वर्मा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल CSP इंस्टीट्यूट। तो आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आया हूँ ऑटोमेटा थ्योरी एंड कंप्यूटेशन के अंदर। इसका नाम है कन्वर्जन ऑफ NFA टू DFA। तो एवरी DFA डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा इज एन NFA बट नॉट वाइस वर्सा। जो हर एक DFA होता है वो एक अपने आप में ही NFA होता है, लेकिन हर एक NFA DFA नहीं होता है। बट देर इज एन इक्विवेलेंट DFA फॉर एवरी NFA। हर एक NFA के लिए एक इक्विवेलेंट DFA हमारे पास में होता ही होता है, जिसको हमें सीधे से हमारे पास में स्टेप्स हैं उनकी मदद से हम कोई भी NFA को DFA के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि NFA और DFA के अंदर अंतर क्या है, कोई डिफरेंस है? तो आप देखेंगे कि दोनों ही क्विन टपल है। इन दोनों ही के अंदर अपने पास में पांच जो मतलब सेट वो है टपल्स हैं हमें मिलेंगे, जो कि क्यू है, सिग्मा है, क्यू नॉट है, एफ है एंड ये है। तो क्या ये सारे इक्वल है? यस, सेट ऑफ ऑल स्टेट्स क्यू, वो NFA में भी होता है और DFA में भी होता है। फिर इनपुट सेट, ये NFA में भी है और DFA में भी है। फिर स्टार्टिंग स्टेट, ऑफ कोर्स दोनों के अंदर होता है, फाइनल स्टेट दोनों के अंदर मिलेगा। लेकिन ट्रांजिशन फंक्शन, जो NFA के अंदर ट्रांजिशन फंक्शन होता है वो होता है कुछ इस तरीके से कि क्यू इंटू आपका सिग्मा मैप करता है टू की पावर क्यू के साथ में, ये होता है NFA का। वही DFA का क्या होता है? DFA का जो ट्रांजिशन फंक्शन हो गया वो क्यू इंटू सिग्मा मैप करता है क्यू के साथ में। अच्छा, तो सिर्फ ये एक थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों के अंदर, ट्रांजिशन फंक्शन का डिफरेंस है। तो बेसिकली हमें काम करना है ट्रांजिशन फंक्शन के ऊपर ही, बाकी सब सेम है, बाकी सब सिमिलर है इन दोनों के अंदर। हमें सिर्फ जो चेंज करना है NFA से DFA के अंदर, वो करना है सिर्फ इसका, जो 2 की पावर क्यू को हमें बनाना है केवल क्यू। तो बस यही हमारा बेसिक काम है और सब सिमिलर है, कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं है। तो हमें एट लास्ट ये लाके खड़ा कर देना है, NFA इज इक्विवेलेंट टू DFA। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहला क्वेश्चन, आप एग्जाम्पल एग्जाम्पल से ही समझते हैं। ठीक है, हमारे पास में एक लैंग्वेज है जिसकी डेफिनेशन है सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स, ओके, ओवर 0 एंड 1, ओके, दैट स्टार्ट्स विद 0, ओके, जो कि 0 से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो हम समझते हैं कि बेसिकली इसमें कौन कौन सी स्ट्रिंग्स आएंगी। 0 0 1, 0 0 1, 0 1 0, कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 0 या फिर 0 0 0 1, कोई भी एन नंबर, ऐसी इन्फिनिटी स्ट्रिंग्स इसके अंदर आ सकती हैं। ठीक है, कंडीशन ये है कि स्टार्टिंग क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसके इनपुट कौन कौन से हैं पहले तो ये देख लेते हैं। इनपुट है इसके 0 और 1। ठीक है, अब इसका NFA बनाने की कोशिश करते हैं। अब NFA, तो सबसे छोटा कौन सा स्ट्रिंग है इसके अंदर? 0। और वो 0 कब एक्सेप्ट होगा? सबसे पहले तो हम स्टार्टिंग वो बना लेते हैं, स्टेट बना लेते हैं, स्टार्टिंग स्टेट। जैसे ही इसको 0 मिला, ये अपनी स्टेट चेंज कर देगा और ये पहुंच जाएगा फाइनल स्टेट में, जिसे हम एक्सेप्टिंग स्टेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे ही 0 मिला ये फाइनल स्टेट में पहुंच गया। अच्छा, यहाँ पर आगे इसको 0 मिले या 1 मिले, ये इसी स्टेट में रहेगा। तो ये हमारी एक्सेप्टिंग स्टेट है, सबसे पहले हमें एक्सेप्टिंग स्टेट बनाया, उसके बाद में आगे कुछ भी बने। अच्छा, अगर ए पे 1 आ गया तो NFA में उसको डेड स्टेट को दिखाने की जरूरत नहीं है आपको NFA के अंदर। ठीक है, DFA के अंदर दिखाने की जरूरत है, लेकिन NFA के अंदर उसकी जरूरत नहीं है। तो ये हो गया अपना NFA जो ब्लॉक डायग्राम है वो। ठीक है, अब इसका ट्रांजिशन डायग्राम हम बनाते हैं। ट्रांजिशन डायग्राम के लिए 0 और 1 इनपुट इधर लिखेंगे हम,
यहाँ पर ए और बी जितने भी नंबर ऑफ स्टेट्स हैं उसको यहाँ पर लिख लीजिए। इनिशियल स्टेट ये है, फाइनल स्टेट हमारी ये है, ठीक है। ए पे 0 आ रहा है तो कहाँ जा रहा है, बी पे जा रहा है। ए पे 1 आया तो कहीं गया, नहीं वो यहीं था। तो इसको हम फाई या फिर डेड स्टेट भी बोलते हैं, डेड स्टेट बोलते हैं। वहीं डीएफए में इसको दिखाना पड़ेगा, ठीक है, एक अलग से स्टेट बनाकर डीएफए के अंदर दिखाना पड़ेगा, एनएफए के अंदर दिखाने की जरूरत नहीं, इसको हम फाई बोल दिए, ठीक है। फिर बी अगर 0 आया, बी स्टेट के ऊपर अगर 0 आया तो बी के अंदर ही रह रहा है, अगर 1 आया तो भी वो बी के अंदर ही है, ठीक है। सो दिस इज फॉर एनएफए। अब इसका इक्विवेलेंट हमें एनएफए डीएफए बनाना है, ठीक है, एनएफए का इक्विवेलेंट ट्रांजिशन टेबल बनाना है। चलिए बनाते हैं। सो ये 0 और 1 इनपुट। अच्छा सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम ए से। सो ए से 0 आ रहा है तब हम बी पे जाएंगे, डेड स्टेट यहाँ पर डेड स्टेट है, तो डीएफए के अंदर डेड स्टेट को हमें अलग स्टेट से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। उसके लिए मान लीजिए मैंने एक नई स्टेट इंट्रोड्यूस की है सी। सी इज अ डेड स्टेट और ट्रैप स्टेट, डेड स्टेट और ट्रैप स्टेट भी बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। फिर इसके अंदर कोई मतलब दूसरा नया कौन सा है, ए तो हो गया, फिर आया बी, तो हम बी को लेके चलेंगे। बी बी से 0 आने पर बी में ही है, 1 आने पर भी बी में ही है, वहीं हम सी को लेके चलते हैं। अब देखिए क्योंकि ये ट्रैप स्टेट है तो इसके अंदर चाहे से 0 आए या 1 आए ये इसी स्टेट में रहेगा, ठीक है। वेन एवर वी एंटर इन डेड स्टेट नो मैटर वॉट इज आवर इनपुट वी स्टे इन सेम स्टेट, ठीक है। सो 0 आने पर भी सी के अंदर ही और 1 आने के ऊपर भी सी के अंदर ही हम रहेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ट्रांजिशन टेबल। अब इसकी मदद से हम इसका ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। इसकी जो डीएफए है इसका बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए तो सबसे पहले ये हमारा हो गया फाइनल स्टेट, क्योंकि यही था फाइनल स्टेट, आप ऊपर देख सकते हो, तो फाइनल स्टेट को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इनपुट हमारा आया ए से, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। हम रेड कलर ले लेते हैं, ठीक है। तो ये इनपुट पे आए हम, ए के ऊपर इनपुट आया, ठीक है। जैसे ही हमें 0 मिला हम कौन सी स्टेट में चले गए, बी के अंदर चले गए, ठीक है। और बी हमारी क्या है, एक्सेप्टिंग स्टेट, तो इसको कंसेंट्रिक सर्किल में आप डाल दो, ठीक है। ये कंसेंट्रिक सर्किल है गाइस, आप उसको कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ये सर्किल कैसे बनाना है आपको, राउंड फिगर। ये मेरा हाथ बहुत हिल रहा है यहाँ पर तो मैं अच्छे से बना नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप उसी से बनाइएगा, ठीक है। तो ये 0 आया तब हम बी में गए, 1 आया तब हम ट्रैप स्टेट जिसको हम सी बोलते हैं, ठीक है। बी के अंदर अगर 0 आ रहा है तो हम बी के अंदर ही रहेंगे, और 1 आ रहा है तो भी हम बी के अंदर ही रहेंगे। तो 0 और 1 आने पर हम बी के अंदर ही रहेंगे। अच्छा सी के अंदर अगर 0 और 1 आ रहा है तो नो मैटर कुछ भी आए हम सी के अंदर ही रहेंगे। दिस इज इक्विवेलेंट डीएफए फॉर दिस एनएफए। ये जो एनएफए हमें गिवन है, फॉर दिस गिवन एनएफए के लिए हमारा इक्विवेलेंट डीएफए हो गया। होप यू हैव अंडरस्टूड इट, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं और सेम प्रोसीजर हम देखेंगे कि क्या बेस्ट कर सकते हैं उसके अंदर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास पे कि लैंग्वेज है सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ओवर 0 एंड 1 दैट एंड्स विद 1, जो कि 1 से एंड हो रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम लेंगे एनएफए, बनाएंगे इसका एनएफए
हमें कंस्ट्रक्ट करना है सबसे पहले। तो ऑल स्ट्रिंग्स जो कि जिसका एंड किससे हो रहा है, वन से हो रहा है। तो सबसे पहले इनपुट इसका हो गया 0 और 1। लैंग्वेज का इसका बना के देखते हैं, तो क्या ये वो लैंग्वेज है? सबसे मिनिमम छोटा बनाते हैं इसका, छोटी स्ट्रिंग है, क्या ये वो स्ट्रिंग होगी? एक्सेप्टेड स्ट्रिंग होगी, यस होगी। क्या ये होगी? यस होगी। क्या ये होगी? होगी। 01 हो गया हमारे पास में, और 001 होगा, 101 होगा। लास्ट में क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, नो मैटर कि पहले क्या है। तो नो मैटर पहले क्या है, तो हम स्टार्टिंग स्टेज में आ जाएंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग स्टेट ए है हमारा, तो हमने सबसे पहले एक्सेप्टिंग स्टेट मिनिमम को लेकर एक्सेप्टिंग स्टेट को बनाना है। तो मिनिमम हमारा है 1। 1 की मदद से हमने एक्सेप्टिंग स्टेट बना दिया, ये बना दिया पी, ठीक है, ये हो गया हमारा एक्सेप्टिंग स्टेट। इसके बाद में लास्ट में आपका 1 होना चाहिए, इससे पहले कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ए के अंदर जैसे वो 0 हो या 1 हो, वो इसी स्टेट में रहेगा। जैसे ही लास्ट में अगर 1 आता है तो हम स्टेट चेंज कर जाएंगे, ठीक है। सो होप यू हैव अंडरस्टूड इट। लेकिन लास्ट के बाद में कोई और आता है तो वो डेड स्टेट होगी, लेकिन एनएफए के अंदर डेड स्टेट को बताने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो इसका ट्रांजिशन जो डायग्राम है वो बनाते हैं, ट्रांजिशन टेबल बनाते हैं। डायग्राम 0 और 1 हमारा इनपुट है, ठीक है, और 2 हमारे पास में स्टेट है, ए और बी। अच्छा, ए के अंदर 0 आने पर वो ए के अंदर ही स्टेट ए के अंदर ही रहेगी। अगर 1 आ रहा है तो मल्टीपल स्टेट दे रहा है आपको। कौन कौन सी है वो? एक तो ए और एक बी। मल्टीपल स्टेट को हमने इस सेट से हमने रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि वो 2 स्टेट चेंज कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करना है कि इसके अंदर जो नया आया है उसको मतलब अगली स्टेट लेना है। तो नया कौन सा आया है? ए और बी। तो ए और बी मल्टीपल तो हम लिख नहीं सकते। सॉरी सॉरी गाइस, सॉरी, एक सेकेंड, मैं पहले एनएफए का ट्रांजिशन डायग्राम बना रहा हूँ, फिर बाद में हम डीएफए की बात करेंगे। तो बी के लिए हमारा हो गया, अगर 0 आया, 0 आया तो भी वो 5, और अगर 1 आया, तो अगर यहाँ पर 1 आया तो मैं इसको एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि अगर 1 आया तो इसी के अंदर रहेगा, ठीक है। तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं उसको किस तरीके से लेके चलूँ। यहाँ पर अगर लास्ट में 1 आया तो मैं इसी के अंदर रह सकता हूँ, तो ये हो गया मेरा 1 के लिए, ठीक है। चलो, अब आगे मैं समझता हूँ कि इसका इक्विवेलेंट डीएफए, अपन इक्विवेलेंट डीएफए जो टेबल है, ये तो हो गया एनएफए के लिए ट्रांजिशन टेबल। अब अपन इक्विवेलेंट एनएफए टेबल बना डीएफए टेबल बनाते हैं, ठीक है। सो इसके लिए इक्विवेलेंट एनएफए टेबल बनाने के लिए सबसे पहले मेरे को 0 और 1 जो हमारे इनपुट है, तो ए हमारा इनकमिंग है और ये हमारा फाइनल स्टेट है, ठीक है। सो ए इनिशियल स्टेट हो गया। तो ए की मदद से हम कहाँ कहाँ जा पा रहे हैं? ए और ए बी। लेकिन देखिए, आप डीएफए के अंदर आप कभी भी अलग मल्टीपल स्टेट्स को नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, तो उसके लिए आपको ए बी दोनों एक साथ लिखना पड़ेगा। अच्छा, अब इसके अंदर चेक कीजिए कि क्या कोई नया आया है अपने पास में। हाँ आया है, ए बी आया है। तो ए बी से अब यहाँ पर देखिए, ए और बी इन दोनों को मिलाकर हम कौन कौन सी स्टेट पे जा सकते हैं? ए और 5। सो इसको हम कैसे लिखेंगे? ए यूनियन 5, जो कि कुछ नहीं है, ए ही है, ठीक है। ऐसे इसके लिए यहाँ पर ए बी की ए और बी में हम कौन कौन सी स्टेट में जा सकते हैं? अगर 1 आया तो ए बी यूनियन बी। तो हमें पता है कि बी बी कॉमन है तो वो बी रहेगा, लेकिन हम डीएफए के अंदर इस ये नहीं लिख सकते, मल्टीपल स्टेट नहीं लिख सकते। इसके लिए हमें ए बी ही लिखना पड़ेगा। तो ए बी ही है। अब यहाँ देखिए, कोई नया आया है, कोई नई स्टेट इंट्रोड्यूस हुई है? नहीं हुई है। तो अगर नई स्टेट इंट्रोड्यूस नहीं हुई है तो हम यहीं तक रुक जाएंगे। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि यार, अगर हम यहीं तक रुक रहे हैं तो फाइनल स्टेट कौन सी होगी? फाइनल स्टेट ऑफ कोर्स यही होगी, जिसमें बी होगा वो फाइनल स्टेट हो जाएगी आपकी, ठीक है।
ये आपके पास में हो गया इक्विवेलेंट डीएफए ट्रांजिशन टेबल। अब इसकी मदद से आप अपना डायग्राम बनाने की कोशिश करें, जो स्टेट डायग्राम है वो बनाने की आप कोशिश करें। ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके से हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में इनकमिंग स्टेट है ए, तो इनकमिंग स्टेट ए से रिप्रेजेंट कर दो। फिर जैसे ही 0 आया, वो ए के अंदर ही है, स्टेट चेंज ही नहीं कर रहा है। 1 आने के बावजूद के बाद वो स्टेट चेंज कर गया है, जो कि हमारी एक्सेप्टिंग स्टेट है, उसकी तरफ वो बढ़ गया है जब उसके पास में 1 मिला। अगर 0 आया तो वापस से वो कौन सी स्टेट में चला गया, ए स्टेट में चला गया। और 1 आया तो कौन सी स्टेट में रहा, 1 में रहा। तो ये हमारा इक्विवेलेंट डीएफए है फॉर दिस लैंग्वेज। अच्छा, तो एग्जाम्पल देकर देखते हैं कि क्या ये एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हम ले लेते हैं एक 001। ठीक है, तो देखते हैं 0, सबसे पहला हमारा ए आएगा। 0 आने पर कौन सी स्टेट में है, वो ए में ही है। ठीक है, फिर से 0 मिला, कौन सी स्टेट में रहा, ए में ही रहा। फिर 1 आया, कौन सी स्टेट में चला गया, वो ए बी स्टेट में चला गया। क्या ए बी स्टेट एक्सेप्टिंग स्टेट है, यस। सो दिस स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड बाय दिस डी एफ ए। सो होप यू हैव अंडरस्टूड इट। ना, अगला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा मज़ेदार है, तो थोड़ा सा आप देखिए, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है अपना, फाइंड द इक्विवेलेंट डी एफ ए फॉर द एन एफ ए गिवन बाय, फाइंड द इक्विवेलेंट डी एफ ए फॉर दी एन एफ ए गिवन बाय, हमें एन एफ ए दे रखा है इस फॉर्म में, सॉरी अच्छा, तो अब ये एक आपकी एम है, लेकिन एन एफ ए है आपका। ठीक है, अब आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि ये एन एफ ए कैसे हो सकता है भैया। हमारे पास एन एफ ए तो हमें या तो ट्रांजिशन मतलब डायग्राम होता है उससे रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर और किसी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इससे थोड़े ना करते हैं। तो याद कीजिए कि मैंने क्या बताया था कि एन एफ ए एक क्वीन टपल है। ठीक है, जो 5 टपल एक तरीके से उसमें भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये वाला हो गया आपका क्यू, ये वाला हो गया आपका सिग्मा, ये ट्रांजिशन फंक्शन, और ए एक्सेप्टिंग स्टेट। ठीक है, ये हो गया एक्सेप्टिंग स्टेट, और सी हो गया फाइनल स्टेट आपका, फाइनल स्टेट। तो ये मैंने अपन लोगों ने इसके बारे में चर्चा की है। अच्छा, इन्होंने एक और चीज़ भी दे रखी है अपनों को, ट्रांजिशन फंक्शन की जो टेबल है वो दे रखा है। ट्रांजिशन टेबल अपनों को गिवन है यहाँ पर। तो ट्रांजिशन टेबल क्या है कि ए स्टार्टिंग है, और ए आने पर वो ए और बी के अंदर जा रहा है, और बी आने पर, स्मॉल बी आने पर वो सी के अंदर जा रहा है, फिर वही बी, ए और बी, और सी आने, सी अपना फाइनल स्टेट है, ए और बी के अंदर जा रहा है। अच्छा, आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कुछ नहीं, फाई है। ठीक है, तो ये हमारी होगी ट्रांजिशन टेबल, ये हमें गिवन है, ये ट्रांजिशन टेबल हमें गिवन है। अब इसकी मदद से हमें क्या करना है, डीएफए कंस्ट्रक्ट करना है इसी ट्रांजिशन टेबल, गिवन ट्रांजिशन टेबल की मदद से। तो देखते हैं किस तरीके से, सबसे पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो इनिशियल, हमें इनिशियल स्टेट है हमारी ए। अच्छा, जब हम हमें मिल रहा है ए, मिल रहा है छोटा स्मॉल ए मिल रहा है, तो वो दो स्टेट चेंज कर रहा है, एक तो बी स्टेट में जा रहा है, और एक वो इसी स्टेट में रह रहा है। अच्छा, बी के, ए के अंदर जब अपनों को बी मिला, तो वो सी स्टेट के अंदर जा रहा है, जो कि अपना फाइनल स्टेट भी है। बी मिलने पर वो सी
सी स्टेट के अंदर जाए, जो कि हमारा फाइनल स्टेट भी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, बी के अंदर जब हमें ए मिला तो हम वापस से कौन सी स्टेट में चले गए? ए स्टेट में वापस चले गए, कैपिटल ए स्टेट में हम वापस चले गए जब हमें ए मिला। वैसे ही जब हमें बी के अंदर बी मिला तो हम इसी स्टेट में हैं, और सी से अगर हमें ए मिला तो हम कोई स्टेट चेंज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वहीं हमें अगर बी मिला तो हम बी मिलने पर दो स्टेट चेंज कर रहे हैं, या तो हम ए के अंदर आ रहे हैं, सॉरी, ए मिलने पर, सॉरी मैं इसको रफ कर देता हूँ, हमें बी मिलने पर इस स्टेट में आ रहे हैं, और यहाँ पर अगर बी मिला तो हम इस स्टेट में, तो दो स्टेट है। तो क्या दो स्टेट एनएफए के अंदर पॉसिबल है? यस, एनएफए के अंदर ही दो स्टेट पॉसिबल है, मल्टी स्टेट पॉसिबल है, डीएफए के अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हमें बनाना है इसका इक्विवेलेंट आपका एनएफए डीएफए। ठीक है, देखना किस तरीके से हम इक्विवेलेंट डीएफए बना सकते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए ट्रांजिशन टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है। सो ट्रांजिशन टेबल के लिए इनपुट्स देख लेते हैं। ये हो गया हमारा ट्रांजिशन फंक्शन, ए इनपुट, बी हो गया, इधर से सबसे पहली स्टेट है हमारे पास में ए। सो ए से जब हमें ए मिल रहा है तो हम कौन कौन सी स्टेट में जा रहे हैं? ए और बी। लेकिन हमें पता है कि डीएफए के अंदर हम इस तरीके से नहीं लिख सकते, तो इसको एक नई स्टेट बनाकर हम ए बी लिख देते हैं। ठीक है, जब हमें बी मिला तो हम कौन सी स्टेट में जा रहे हैं? सीधा सी स्टेट में जा रहे हैं। बी मिलने पर हम सी स्टेट के अंदर जा रहे हैं। अच्छा, अब इसके अंदर नया कौन है? ऑफ कोर्स ए बी, तो नया है हमारे पास में ए बी। अब ए और बी दोनों की स्टेट में देखिए आप, ए और बी, तो ए और बी में ए मिला तो हम कौन कौन सी स्टेट में जा रहे हैं? ए बी यूनियन, यूनियन ए, तो ये क्या बनेगा? ए बी, लेकिन ये भी मल्टीपल है तो इसको हम डायरेक्ट तो नहीं लिख सकते, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? ए बी। ठीक है, वही हम अगर ए बी में बी मिलेगा तो हम कौन कौन सी स्टेट में जा रहे हैं? सी यूनियन बी, जिसे हम बी सी या सी बी कुछ भी लिख सकते हैं, बी सी लिख लेते हैं। ठीक है, तो ए मिलने पर हम ए बी में जा रहे हैं और बी मिलने पर हम बी सी में जा रहे हैं, तो हम यहाँ पर सीधा लिख देते हैं, ए मिलने पर हम ए बी में और बी मिलने पर हम पीसी के अंदर जा रहे हैं। ठीक है, अब इसके अंदर कोई नया आया है? यस, हमारा पीसी नया आया है यहाँ पर, तो यहाँ पर बीसी को लिखिए आप। और अब बीसी के लिए सेम प्रोसीजर आपको अपनाना पड़ेगा यहाँ पर, तो बीसी के लिए भी सेम चीज देखिए आप। आपको क्या करना है कि बीसी में देखना है कि कौन कौन से ए मिलने पर कौन कौन सी ट्रांजिशंस हो रहे हैं और बी मिलने पर कौन कौन सी स्टेट ट्रांजिशन हो रहे हैं। तो ए मिलने पर बी सी के अंदर ए यूनियन फाइव, जो कि ए ही होता है। ठीक है, और बी मिलने पर बी यूनियन ए बी, जो कि कुछ और नहीं ए बी ही होता है, लेकिन डी एफ ए के अंदर हम इस तरीके से तो नहीं लिख सकते, तो इसको कंबाइन करके ए बी के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं इन दोनों को वहाँ पर अपनी ट्रांजिशन फंक्शन टेबल में। तो बी सी मिलने पर हम कौन से उसमें गए? बी सी में जब ए मिला तो हम ए में, और बी मिला तब ए बी में। अब यहाँ पर कुछ नया है? नहीं, यहाँ पर कुछ नया है? नहीं, यहाँ पर सी था जिसको हमने कवर नहीं किया था, तो सी हमें कवर करना है। ठीक है, अब यहाँ पर ऊपर हम सी के लिए आए, सी के लिए हमने देखा कि सी के लिए जब ए आया तब वो कोई और स्टेट चेंज नहीं कर रहा है, ये तो हो गया एनएफए के लिए। लेकिन डीएफए के लिए हमें स्टेट चेंज करने की ज़रूरत है। डीएफए के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर एक नई डेड स्टेट को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, को हम डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वहीं सी के अंदर बी मिल रहा है तो हम ए बी स्टेट में जा रहे हैं, जिसे कुछ और नहीं हमें ए बी ही बोलना है। ठीक है, तो इसके लिए आप इंट्रोड्यूस कर दें डी और ए बी। अब एक चीज देखिए, डी क्योंकि एक डेड स्टेट है, डेड स्टेट के को नई
इसके लिए भी हमें एक और बनाना पड़ेगा। तो डी चूंकि एक डेड स्टेट है, तो चाहे से उसके अंदर ए आए या बी आए, वो उसी स्टेट के अंदर रहेगा। तो ये हो गया इसका ट्रांजिशन फंक्शन। ठीक है, तो हम एक एक करके अब इसको बनाते हैं। कलर चेंज कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हो गया हमारे पास में ए, ए बी, और देन वी हैव अच्छा, आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि इसके अंदर है ना फाइनल स्टेट कौन कौन सी स्टेट होंगी। ऑब्वियसली जिसके अंदर सी है वो अपनी फाइनल स्टेट होगी। तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप है ना इसको खुद से भी बना के देखें। ठीक है, तो मैं इसका फाइनल आंसर यहाँ पर बना देता हूँ आपके सामने। ए बी के अंदर जब ए आएगा तो इसी के अंदर रहेगा, और यहाँ पर बी एन ये चेंज करके अपनी स्टेट यहाँ पर आ गया, और जब यहाँ पर ए आ रहा है तो वो अपनी स्टेट चेंज कर गया और यहाँ पर आ गया ए। ठीक है, ऐसा ही हमारे पास में सी के लिए है। ठीक है, सो दिस इज दी फाइनल आंसर फॉर दिस। आपके लिए एक असाइनमेंट क्वेश्चन है कि ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट डज दिस एनएफए एंड इट्स इक्विवेलेंट डीएफए एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट कौन कौन सी स्ट्रिंग को करेगा, ये एनएफए और डीएफए कौन कौन सी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा, तो ये आप ढूंढने की कोशिश करें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इक्विवेलेंट डीएफए। तो होप यू हैव अंडरस्टूड इट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।